This is a 50mm prime lens and this is Tokina SZX Super Tele 400mm f8 reflex lens. And ये कोई traditional telephoto prime lens नहीं है, ये एक catadioptric lens या एक reflex lens है. Generally regular photography lens में light lens के अंदर से different optical path में से जाते हुए direct camera के sensor पे hit करता है. पर in case of reflex lens, light lens के अंदर से जाते हुए lens के back side पे mirror पे पहले reflect होता है, then again वो लाइट लेंस के फ्रंट साइड पे एक स्मॉल मिरर पे रिफ्लेक्ट होके उसके बाद कैमरा के सेंसर तक जाता है. और इसलिए इस टाइप के लेंस डिजाइन में बहुत ही स्मॉल या बहुत ही कॉम्पैक्ट प्लेस में बहुत ही हाई टेलीफोटो रीच ये लेंस अचीव कर पाता है. और इसलिए इस टाइप के लेंस बहुत ही कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और बहुत ही अफोर्डेबल होता है. द टोकिना SZX 400mm f8 इज ओनली 340 ग्राम एंड एक कैटाडियोप्टिक लेंस होने के कारण ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है. एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस लेंस. द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप्स ऑफ लेंस इज मैनुअल फोकसिंग. एंड एक मूविंग सब्जेक्ट को मैनुअली बहुत ही प्रिसिशन के साथ परफेक्टली फोकस करना एक बहुत ही टफ जॉब है. द मैनुअल फोकसिंग ऑफ दिस लेंस इज वेरी स्मूथ एंड विद अ बिट ऑफ पेशेंस आप बहुत ही आसानी से किसी भी स्टडी सब्जेक्ट को मैनुअली फोकस कर लेंगे. इवन आप मूविंग सब्जेक्ट को भी फोकस कर पाएंगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के बाद. द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस लेंस इज रियली इम्प्रेसिव. टोटली मेटल मेड इस लेंस का ऑलमोस्ट एंटायर लेंस बैरल ही रोटेट करता है ड्यूरिंग मैनुअल फोकसिंग. और यहाँ पे जो रबराइज ग्रिप है वो काफी वाइड एंड वेल मेड है. और यहाँ पे आपका हाथ को ऑलमोस्ट 270 डिग्री ट्विस्ट करना पड़ता है मिनिमम फोकस डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक फोकस को ले जाने के लिए. लेंस के साथ जो लेंस हुड आपको मिलता है वो भी बहुत ही सॉलिड एंड मेटल मेड है एंड ये स्क्रू माउंटेड है. और आप इसको रिवर्स माउंट करके लेंस के साथ माउंट नहीं कर पाएंगे जो कि और एक ड्रॉबैक है इस लेंस का. द मिनिमम फोकस डिस्टेंस इज ओनली 1.15 मीटर और 3.7 फीट व्हिच इज अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस लेंस. इट गिव्स मैग्निफिकेशन ऑफ 1:2.5 ड्यूरिंग मैक्रो फोटोग्राफी. सो आप इस लेंस से डिस्टेंट मैक्रो फोटोग्राफी भी कर पाएंगे. द लेंस कम्स विद कॉन्स्टेंट एपर्चर f8 व्हिच इज गुड फॉर शूटिंग ड्यूरिंग ब्राइट सनलाइट. लेंस के साथ कैमरा का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन ना होने के कारण आपको कोई भी लेंस के एपर्चर की इंफॉर्मेशन या लेंस का कोई भी इंफॉर्मेशन आपका कैमरा में या एग्जिब डेटा में आपको देखने को नहीं मिलता है. इस लेंस में आपको कोई भी इमेज स्टेबिलाइजेशन या वाइब्रेशन रिडक्शन देखने को नहीं मिलता है. पर व्यू फाइंडर से फोटोग्राफी करने के टाइम मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. पर अगर आप इस लेंस से वीडियोग्राफी करते हो तो आपको डेफिनेटली एक ट्राइपॉड की ज़रूरत है. अगर इमेज क्वालिटी की बात करें तो कैटाडियोप्टिक लेंस के जो इमेजेस है उसका शार्पनेस एंड कॉन्ट्रास्ट रेगुलर फोटोग्राफिक लेंस के जैसा नहीं होता है. इन केस ऑफ टोकिना SZX 400mm अगर लाइट बहुत ही अच्छा हो एंड आप बहुत ही प्रिसिशन के साथ एक्यूरेटली आपका सब्जेक्ट को फोकस कर लेते हैं तो आपको इस लेंस से बहुत ही अच्छा खासा इमेजेस मिल जाता है. एंड थोड़ा बहुत पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद आप उस इमेजेस को कोई भी बजट रेगुलर फोटोग्राफिक लेंस के साथ कंपेयर कर पाएंगे. कैटाडियोप्टिक डिजाइन होने का और एक यहाँ पे जो एडवांटेज है आपको इमेजेस में कोई भी क्रोमेटिक एब्रेशन देखने को नहीं मिलेगा. लेंस हुड को यूज करके आप बहुत ही आसानी से इमेजेस में घोस्टिंग फ्लेयर या रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं. इस लेंस के साथ आप बहुत ही बढ़िया पोर्ट्रेट भी कैप्चर कर सकते हैं विद ब्यूटीफुल बैकग्राउंड ब्लर एंड बोके. और यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगा इसका बहुत ही यूनिक रिंग लाइक बोके जो कि आपका इमेज को एक बहुत ही डिफरेंट यूनिक लुक देता है. बेसिकली यहाँ पे इमेज का शार्पनेस या क्वालिटी आपका एक्यूरेट फोकस के ऊपर डिपेंड करता है. तो आप यहाँ पे आपका कैमरा का फोकस पिकिंग ऑप्शन या फोकस मैग्नीफायर ऑप्शन को यूज करके आपका सब्जेक्ट को परफेक्टली फोकस कर सकते हैं और इस लेंस से बहुत ही बढ़िया गुड क्वालिटी इमेजेस आप पा सकते हैं. लेंस की अगर कंपैटिबिलिटी की बात करो तो इस लेंस का जो और एक प्लस पॉइंट है आप इस लेंस को ऑलमोस्ट किसी भी कैमरे के साथ इसका एप्रोप्रिएट एडाप्टर को यूज करके आप माउंट कर सकते हैं. सो फाइनली आप अगर बहुत ही बजट में कॉम्पैक्ट लाइट वेट टेलीफोटो लेंस लेना चाहते हैं किसी भी टाइप के फोटोग्राफी के लिए तो आप इस लेंस को ट्राई कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम मैनुअल फोकसिंग यूज कर रहे हैं तो आपको
पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, पर कुछ दिन यूज करने के बाद ये बहुत ही यूज टू हो जाएगा। और थोड़ा सा पेशेंस के साथ यूज करने पे आप इस लेंस से भी बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस कैप्चर कर पाएंगे। अब अगर लेंस की प्राइस की बात करें तो अमेजोन में लेंस का जो प्राइस लिस्टेड है डिफरेंट माउंट के हिसाब से वो 20,000 से 25,000 तक है। तो मैंने डिफरेंट कैमरा ब्रांड के हिसाब से इस लेंस का अलग अलग अमेजोन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहे तो आप उस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली अमेजोन से बाई कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे जरूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस बार बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।